बिग बॉस के इस सीजन को देख करके 2020 में जो घटना घटी थी उस चीज का अंदाजा लग रहा है कि इस इंडस्ट्री में जो चूतिए लोग जरा भी अपनी पहुंच नहीं रखते ना, उसकी भी इतनी धाक जमी होती है। मैं बात कर रहा हूँ भट्ट कैंप की, मतलब पूजा भट्ट ने एग्जैक्टली क्या किया है, और सच बताओ तो किस हद तक उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया होगा या फिर लोगों को जो है उतनी बड़ी डर होगी। लाइक सलमान खान ने बहुत कुछ किया है, एक टाइम पे लो फेस आया और उसके ऐसे फिर किस्मत ने करवट ली और इज बैक ऑन द ट्रैक, लेकिन पूजा भट्ट को इतना क्यों डर रहे यार, पूजा भट्ट का असलियत दिखाने में इतना क्यों डर रहे यार ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इतना सपोर्ट किस बात का है, क्या वो डॉन है इंडस्ट्री की या फिर भट्ट कैंप कुछ ऐसा कर देती है जिसके वजह से बड़े बड़े स्टार्स लोग मतलब ठप हो जाते हैं। 2020 वाली घटना का जो है पूरे खुलासा हो गया, खास करके कल के एपिसोड में, कि इंडस्ट्री किस तरह से देखती है। अब बात करना चाहता हूँ यार कि सलमान खान ने जिस तरह से बैश किया है ना भाई कि तुम्हारे पास फॉलोअर्स कितने हैं। अरे फॉलोअर्स की अगर बात आ रही है, मुझे एक चीज नहीं समझ में आता है, बार 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 पूरे हफ्ते और लास्ट 3 हफ्ते से पूजा भट्ट ये क्यों कह रही है आलिया भट्ट को देखो, आलिया भट्ट को देखो। अरे आलिया भट्ट के पास में जितने भी फॉलोअर्स हैं ना बॉस, उसको खुद भी नहीं पता है कितने रियल और कितने बॉट वाले हैं। और जहां तक कि यूट्यूब कम्युनिटी की बात आती है, बहुत मुश्किल से पहुंचते भाई ये। अगर बार बार कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास कितने ही फॉलोअर्स है, अगर नहीं है तो रखा क्यों है, और अगर इतनी बड़ी हस्ती नहीं होती तो तुम क्या ऐसे ही बुला लेते उन लोगों को, सच बताना ऐसे ही बुला लेते, कंट्रोवर्सी होगा या फिर सच्ची में उसकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त होगी जिसके वजह से आपने बुलाया था एक पुनीत सुपरस्टार को, एक फुकरा इंसान को। पुनीत सुपरस्टार को 24 घंटे के अंदर में निकाल देने के बाद में बिग बॉस को समझ में आया कि कितना बड़ा लॉस हुआ है, जियो सिनेमा को समझ में आया, एंड मॉल को समझ में आया, जियो सिनेमा की रेटिंग गिर गई और उसके बाद से जो लोगों ने थूथू की है उसके वजह से ये लोग डर गए, वरना किसी ना किसी रीजन के वजह से फुकरा इंसान को भी कब का निकाल चुके होते, क्योंकि फुकरा इंसान बहुत ही डिसेंटली खेल रहा होता है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा एकदम पागलपंती नहीं दिखा रहा होता है, मैडनेस नहीं दिखा रहा होता है, हर चीज को सही और गलत में तोलता है और उसके बाद से आगे बढ़ता है। ये अगर पुनीत सुपरस्टार को नहीं निकाले होते ना, और निकालने के बाद में अगर इनको अकल नहीं आई होती तो फुकरा इंसान भी कब के घर से बाहर हो चुका होता, ये चीज तो खुली एकदम साबित हो चुकी है। कल के टास्क के अंदर मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, कैसे करके दूसरे पे डांट पड़ी है भाई कि तुमको जाके बैठना होगा, और वहीं पे पूजा भट्ट अपने ऊपर में कीचड़ डालने का मतलब बोलती है कि मैं अपने आप में कीचड़ डालूंगी और कुछ किसी को नहीं डालूंगी मैं, क्यों? ये महानता दिखाने की कोशिश थी कि देखो मैं अपने आप पे कीचड़ डाल रही हूँ, किसी के ऊपर मैं उंगली नहीं उठा रही हूँ। पूजा भट्ट मैम पूरा टाइम पूरी दुनिया को ये ज्ञान देती है कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है, तुम्हारी जिंदगी में आगे क्या होगा। मैडम इस चीज को खुद क्यों नहीं बोल लेती कि भाई जो चीज मैं दूसरे को बोल रही हूँ खुद के ऊपर मैं लागू करो ना, दूसरे को बोलती है ना डोंट टीच मी, मैं कैसा क्या करूं मुझे मत सिखाओ। तुम कौन होती हो फिर यार दूसरों को सिखाने वाली कि तुम्हारे माँ बाप बाहर देख रहे हैं, उनके माँ बाप को अच्छे तरह से पता है कि मेरा बच्चा किस सिचुएशन में जाके बैठा है और उसके ऊपर में कितने ज्यादा पोकिंग हो रही है, वो टीवी पे देख रही है, समझ आ रहा है इस चीज में अक्ल है इस औरत में या नहीं पता नहीं यार, मतलब पूरा दिन टिका के बैठी रहती है तो सारा अक्ल बेच खाई है, यहाँ पे आकर के निकोटीन भी जी रही है। मुझे तो नहीं पता था, ट्रिगर इंसान ने बताया वो च्युइंगम जो है वो निकोटीन है एक तरह का, मतलब सिगरेट की तलब को जो तंबाकू की तलब उसको, और ये मैडम जो है दूसरे को ज्ञान दे रही है। एलविश यादव के ऊपर में बार बार इल्जाम लगता है कि जब आप गायब होते हो तब उसका रूप अलग होता है, जैसे ही आप आते हो उसका रूप अलग हो जाता है। मेरे भाई उस बंदे ने ना इस रिस्पेक्ट को रखा है, और जिन लोगों को नहीं पता है एक बार एलविश यादव को जाके बाहर की दुनिया में देख लो, वो अपने आप में डॉन है भाई, और यहाँ पे वो जो कर रहा है ना ये लोएस्ट है। मुझे एक बात बताओ, बंदे ने कुत्ता का पट्टा बोला, ये कौन सी बड़ी मुद्दे हो गई भाई, कि कैसी ऐसी गंदी बात बोल दिया बंदे ने कि ये गलत हो गया, इस बंदे ने बहुत ज्यादा बोल दिया, काट दूंगा, एक पे 3 तमाचे पड़ेंगे तेरे को, एक तो पे जो है ना 3 पड़ेंगे, क्या गलत है इसमें। अब इस बिग बॉस के घर के अंदर में फिजिकल नहीं हो सकते, गाली नहीं दे सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, बुरा वर्ड भी नहीं बोल सकते, तो जब कोई तुम पे अटैक कर रहा होता तो तुम क्या करोगे। यही चीज जो है अभिषेक के ऊपर में भी कहा जाता है कि तुम हमेशा 36 36 36, क्या होता है भाई, कुछ लोगों के घर के अंदर की गाली यही होती है, बुड्ढा कुत्ता कमीना, ये उनके लिए सबसे बड़ा गाली होता है, वही वो यूज कर रहा है, बुड्ढा 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 बोल रहा है। मुझे तो इस शो का एक और कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, जब जब बुढ़ापे की बात आती है सलमान खान खुद पे ले लेता है कि ये अगर 36 का है मैं तो 57 का हूं, मुझे क्या क्या बोलते होगे भाई, पूरी दुनिया बुढ़ाऊ बोल देती है। जब भी तुम्हारी कोई फिल्म फ्लॉप होती है, जब भी तुम्हारी कोई ऐसी हरकत दिखती है ना, लोग खुल्ला बोल रहे होते हैं बुढ़ा है, अब नहीं हो रहा है, शाहरुख खान को बोल देते हैं यार, आमिर खान को बोल देते हैं, बुढ़ापे में क्या बच्चियों के साथ में फिल्म बना रहा है, बूढ़े को बूढ़ा बोलने में प्रॉब्लम क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
अभी मैं मोटा हूं, अगर मुझे कोई मोटा बोल रहा है, भाई मैं मोटा दिख रहा हूं तो बोल रहा है, अब मैं उस पर चिढ़ूंगा तो ऑफकोर्स बोलेगा, उसने उस पॉइंट को पकड़ लिया है कि उसको 36 बोलने पे लगता है, तो लगता है। एक बुड्ढे को बोलो दूसरी बुढ़िया भड़क जाती है, एक बुढ़िया को बोलो तो बाहर वाला बुड्ढा भड़क जाता है। साला बुड्ढों का गैंग चल रहा है क्या बिग बॉस के अंदर में? और कुछ भी होता है, यूथ 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 भाई, इसी यूथ को जो है ना तुम बिग बॉस दिखा रहे हो। मुझे कोई बता दे, कोई अंकल आंटी बैठ करके देख रहे होंगे, वो बोलेंगे साला घर में वैसे ही इतना कलेश है, इसको देख के क्या मजा आ रहा है। यहाँ पे यूथ देख रही होती कि मेरा फेवरेट पर्सन अंदर में है, उसके साथ में क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई भाई कि बिग बॉस के अंदर में जाकर के भाई साहब ने कह दिया कि मेरी अपनी फैन फॉलोइंग है, मेरे जो है फॉलोअर्स है, मैं अपनी ऑडियंस लेकर के आया हूँ। क्या गलत बोल दिया बंदे ने? 40 मिलियन उसने बताया, पूरे खानदान का मिला करके सलमान खान मजाक उड़ा रहा था कि पूरा खानदान का मिला करके कितना होगा। अगर आप स्टार नहीं हो ना, आप सिंपली एक अपना वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे डालो, स्टार नहीं हो यूट्यूब पे डालो, जब तुम्हें 3-4 व्यूज आते हैं ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोवर जो कमाया है उसके लिए कितनी मेहनत, कितने फेवरेट बने हैं लोगों के लिए। अगर वो अपने बंदे को खुश करने के लिए कोई चीज कह रहा है, व्हाट अ बिग डील। अभी सलमान खान ने यही बोला ना कि तुम्हारी ऑडियंस से तुम कमा रहे हो, तो तुम्हारी ऑडियंस क्या तुमको कमा करके नहीं देती है? तुम्हारी फिल्म जो होती है तुम फ्री में दिखाते हो, तुम भी उसी ऑडियंस के खा रहे होते हो भाई। लेकिन तुम्हारा कहना है कि तुम अपने YouTube कम्युनिटी के लोगों की वजह से कमा रहे हो खा रहे हो, तो तुम्हारा इंटेंशन चेंज हो गया। क्यों आप कोई इंटेलेक्चुअल मूवी क्यों नहीं बनाते जिसके अंदर में थोड़ा दिमाग लगे, जो एक अच्छी स्क्रिप्ट हो, जिसमें सच में एक्टिंग करने को मिले? आप तो वही दिखाते हो अपना ये वाला डांस और लोग देख करके बोलते भाई आया भाई आया। अगर तुम अगर अपनी असलियत दिखा दो, अच्छा एक्टिंग दिखा दो, अपना एक अच्छा स्क्रिप्ट दिखा दो, ये जितने रिक्शे ठीले वाले हैं सब गायब हो जाएंगे, बोलेंगे भाई का मूवी अच्छा था लेकिन उतना समझ में नहीं आया। तुम भी अपने ऑडियंस को केटर कर रहे होते हो। बंदे ने हक से कहा कि मेरा बनता है, मैंने शुरू से डे वन से इस शो को अपने दम पे खींचा है आगे तक, और उसके बदले में अगर मैं जीतना चाह रहा हूं तो कौन सी बड़ी बात है, एंड इट्स टाइम टू पे बैक। क्या गलत है वो बंदे ने अगर कहा तो क्या गलत है? और ये सारी चीज, ये सारा मुद्दा पता है किस वजह से हुआ है? उसने पूजा भट्ट के मुंह पे कहा है कि तुम गलत हो, और वहां पे एक लाइन जैसे उसने बोला, पूजा भट्ट पूरा साइलेंट मार गई कि आपने भी बहुत गलतियां की हैं, आपकी भी जो है ना कैरेक्टर बहुत खराब हो चुकी है, आपकी भी कर्में जो है वैसी थी। बंदी डर गई थी उस वक्त में, कहीं और कुछ ना मुंह से निकाल दे, जबकि भाई साहब को कुछ पता भी नहीं है, वो जानता भी नहीं है कि पूजा भट्ट कौन है। वो कह रहा बार बार मैं घर जाके देखूंगा इनकी फिल्में कैसी थी, ठीक है? तो वो बंदा सीधा कहा है कि आपके भी कुछ ना क्रम अच्छे नहीं रहे, आपके भी पाप का घड़ा भर चुका है। तो वो जिस तरह से बोला वो लग गया मेकर्स को, लग गया, और मेकर्स ने तो पूरा रूल ही चेंज कर दिया। जब उसने बोला कि मुझे नहीं डालना है बिग बॉस, शांत, उसके ऐसे बेबी का बोली शांत, एलविश यादव का पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया, उसने सीधा कहा कि ये क्या सिस्टम है भाई, एकदम खेल रहे। ये सब करने के बाद में जब मेकर का दिल नहीं भरा तो सलमान खान के कान में बार बार बोला गया होगा कि एक और पॉइंट है उसको सामने लाओ, सामने लाओ। बंदे ने सीधा पिछले 3 हफ्ते से सलमान खान यही करने की कोशिश कर रहे हैं, बिग बॉस भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन दोनों की लड़ाई हो जाए। तुमने बताया, तुमने अपनी मांग को क्या कहा है, उसके पीठ पीछे क्या कहा है, बताया है उसको? बंदे थोड़ा डर गया, फुकरा इंसान डर गया कि यार कहीं दोस्ती खराब ना हो जाए। ऑफकोर्स कौन नहीं बोलता यार, कौन नहीं बोलता, ऑन कैमरा सभी बेस्ट फ्रेंड होते हैं, दे आर डूइंग द सेम थिंग। उनको पता हम एक ही कम्युनिटी से आए हैं, भले से हमारा बाहर जाके जॉनरा अलग हो जाए, हम शायद बात ना करें, या फिर दोस्ती के लिए हमें मतलब लोगों को दोस्ती दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को वैसा नहीं जानते जैसा लोग सोच रहे हैं अंदर में, नहीं जानते। ये सिर्फ कम्युनिटी की वजह से अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई सच्ची बताऊं तो ये लोग यूट्यूब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तुमने एक 15 मिलियन वाला, तुमने एक 8 मिलियन वाला, जिसका पूरा खानदान मिला के 40 मिलियन लोग है, वो सारे के सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इन दोनों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और वो कोशिश जो है हर बार मुंह की खा रही है। मतलब सलमान खान ने जैसे फुटेज दिखाया, बंदा एक झटके, कोई ना यार तू जीत मैं जीत एक ही बात है भाई, वो बंदा अलग लेवल पे है, ये दोनों की दोस्ती अलग लेवल पे, भाईचारा खत्म ही नहीं हो रहा है। और इन लोगों को लग रहा है कि इस वजह से भाई बैंड बजेगी, मजा आ जाएगा, फिर ऑडियंस देखेगी, इन लोगों की छिछी तूतू होएगी कि देखो सोशल मीडिया वाले ऐसे होते हैं, साले आपस में ही नहीं बनती इनकी, तो ये तुम्हारे लिए फेवरेट कैसे हो सकते हैं, ये बोल करके पूरा का पूरा कहानी घुमाना चाहते हैं। एंड समहाउ कैसे भी करके पिछले कई हफ्ते से फीलिंग आ रही थी, और कल के दिन में तो ये फुल कंफर्म हो चुका है कि बिग बॉस अगर किसी को जिताना चाहता है तो वो है वन एंड ओनली पूजा भट्ट, एंड मे बी शायद बेबी का या जिया, इनमें से कोई हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि किसी
YouTube कम्युनिटी या फिर सोशल मीडिया कम्युनिटी से किसी को आगे बढ़ाना चाहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको ये दिखाना है कि हम बुढ़े लोगों का ज़माना था, हम बुढ़े लोगों का ज़माना है, आगे भी रहेगी, हम ज़्यादा समझदार है। आजकल के बच्चे नंबर के पीछे भागते हैं, इनमें कोई एथिक्स, कोई मतलब रूल्स नहीं होता, कोई प्यार मोहब्बत नहीं होती, दे ओनली वॉन्ट्स टू विन एनी हाउ। ये कौन सा तरीका है? अगर ऐसा है, तुम लोग अगर ऐसा सोच रहे हो बिग बॉस के घर के अंदर में बैठ के कि तुम जीत तो सकते हो लेकिन लोगों के दिलों में नहीं बस सकते, तो आप लोग सीधा बोलो बिग बॉस गेट खोल दो, हम बाहर आ रहे हैं। कह दो यार, क्यों इतना एफर्ट मार रहे हो जब तुमको पता ही है कि ट्रॉफी लेना इट्स नॉट अ बिग थिंग, लोगों के दिल में बैठना है। दुनिया इतनी अंधी है, बिग बॉस फंस चुका है अपना लाइव 24 आवर्स जो लाइव चला रहा है ना उसी में फंस चुका है कि एक जगह पे हम काट पीट के तो दिखा देते टीवी में होता तो, लेकिन साला यहाँ पे सबकी सब चीज़ लाइव जा रहा है, तोड़ मड़ोड़ ज़्यादा पा नहीं रहे, तो क्या करें यार, कुछ ना कुछ तो उंगली करो कैसे भी करो। और ये भाई साहब ने जो है पिछले 3 हफ्ते पहले से ही सोच लिया था कि मुँह पे बोलना है, एकदम सीधा मुँह पे बोलना है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, नेक्स्ट कुछ रहेगा मैं बताऊंगा, इसी एपिसोड में हुआ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर चाहिए तो बताना मेरा क्या ऑब्जर्वेशन था, मेरा क्या मतलब रिएक्शन था। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप बताओ आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है, आपके हिसाब से क्या सही क्या गलत था, सलमान खान कितने सही थे वो भी जरूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।